तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपने पहले नहीं कभी देखा होगा और न कभी कहीं पर सुना होगा। तो आज हम करने वाले हैं कॉटन के साथ एक्सपेरिमेंट। एक है नॉर्मल कॉटन जो आपको घर में आसानी से मिल जाएगी, और सेकंड वाली कॉटन हमने मेडिकल से बाई की है, जो मेडिकल स्टोर पर आपको ये कॉटन मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन सी कॉटन सबसे ज़्यादा पानी को सोखेगी। तो गाइस हम पहले कर रहे हैं नॉर्मल वाली कॉटन के साथ पानी का एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए मैंने नॉर्मल वाली कॉटन को इसमें डाल दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें। तो गाइस ये है नॉर्मल कॉटन जो आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए नॉर्मल कॉटन है। और गाइस ये है मेडिकल कॉटन जो आपको आसानी से मेडिकल पर आप बाई कर सकते हैं। हमने खास एक्सपेरिमेंट के लिए इसको बाई किया है, तो आप भी जाकर आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इन सब को रखते हैं साइड में और मैं अब यहाँ रखूँगा दो बाउल। ये दोनों बाउल मैंने रख दिए हैं। अब मैं लेने वाला हूँ सबसे पहले नॉर्मल कॉटन। ये आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी और ये बिल्कुल नॉर्मल कॉटन है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेता हूँ। और ये जो आप घर पे रहती है वो वाली कॉटन ही है। मेडिकल कॉटन भी हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज की है, तो पहले हम नॉर्मल कॉटन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ये कितना पानी सोख पाती है। हमने दोनों की मात्रा हमने सेम ली है। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ पानी। तो अब ऐड करते हैं इसमें पानी। मैंने पहले एक गिलास लिया है पानी। तो गाइस ये कॉटन बिल्कुल भी पानी सोख नहीं पा रही है। इसने थोड़ा बहुत पानी सोखा है और बाकी पानी बाहर रह गए। और मैंने एक गिलास पानी डाला था इसमें, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कॉटन नॉर्मल कॉटन जो हमारे घर पे उपलब्ध होती है बिल्कुल भी पानी नहीं सोख पाई है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा सोखे, पर ये बिल्कुल भी पानी नहीं सोख पा रही है। इसने थोड़ा बहुत पानी सोखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं एक गिलास पानी में से इस कॉटन ने सिर्फ इतना सा पानी सोख लिया है और बाकी जो बचा हुआ पानी है वो इतना सा बचा है। और इसने कॉटन ने इतना सा पानी सोखा है और ये एक गिलास में से इतना पानी बच गया है जो इस कॉटन द्वारा नहीं सोखा गया है। तो आप देख चुके हैं कि नॉर्मल कॉटन कितना पानी सोख पाई है। तो अब हम करने वाले हैं मेडिकल कॉटन जो हमने मेडिकल से बाई किया है। आप भी चाहे तो मेडिकल पर जाकर मेडिकल कॉटन को बाई कर सकते हैं। तो अब मैं इस बाउल में डालने वाला हूँ मेडिकल कॉटन। तो गाइस अब मैंने इसमें मेडिकल कॉटन ऐड कर दिया। इसकी मात्रा उतनी है जितनी नॉर्मल कॉटन की मात्रा ली है। नॉर्मल कॉटन ने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी सोखा था और इसमें पानी एक गिलास से कम सोखा गया है। तो अब हम डालने वाले हैं मेडिकल कॉटन में पानी। तो गाइस मैंने पहला गिलास इसमें ऐड कर दिया है। और गाइस अब इसने सारा पानी सोख लिया है। तो अब मैं ऐड करूँगा इसमें दूसरा गिलास भी गाइस मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। अब गाइस इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ थर्ड गिलास। तो गाइस मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है थर्ड गिलास पानी का और ये सोखे ही जा रहा है पानी को। गाइस मैं अब इसमें ऐड करने वाला हूँ एक और पानी का गिलास और ये पानी को बिल्कुल सोखे जा रही है। गाइस अब मैं इसमें पाँचवा पानी का गिलास डालने वाला हूँ। और गाइस इसने पूरी तरीके से पानी को सोख लिया है। तो क्या अब हम इस एक्सपेरिमेंट को बड़े बर्तन में करेंगे। गाइस मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जाएगा और हमको
बर्तन को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा पानी को सोख लिया है, तो अब हम इसको बड़े बर्तन में करेंगे ताकि हम इसकी लिमिट टेस्ट कर सके कि कितना पानी को सोख सकती है। तो गाइस अब मैंने इसको बड़े बर्तन में ऐड कर दिया है। तो गाइस अब हम डालेंगे और एक्सपेरिमेंट को वापस से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये छठा गिलास भी इसने सोख लिया है। गाइस तो ये मेडिकल कॉटन पानी को सोखे जा रही है। अब मैंने इसमें आठवां गिलास ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ दसवां पानी का गिलास, और ये गाइस इसको भी आसानी से सोख पा रही है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल कॉटन के मुकाबले इसने कितना ज़्यादा पानी को सोखा, और बिल्कुल इसने पूरे पानी को सोख लिया है। थोड़ा सा भी पानी आपको साइड में भी नहीं दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरे पानी को इसने बिल्कुल सोख लिया है। ये है नॉर्मल कॉटन जिसने बहुत थोड़ा सा पानी सोखा, और ये है मेडिकल कॉटन जिसने बहुत ज़्यादा पानी को सोख लिया। तो इस कॉटन का यूज़, मेडिकल कॉटन का यूज़ पानी को अत्यधिक मात्रा में सोखने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार से हमने इसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया। और एक्सपेरिमेंट में आपने खुद देखा कि इसने सिर्फ एक गिलास भी पूरा सा पानी को सोख नहीं पाया, और ये मेडिकल कॉटन है जिसने 10 से 11 गिलास मिनिमम इसमें डालने के बाद में अभी भी इसमें जगह बची है कि और डाल सकते हैं। आजकल लोग इसको मैजिक ट्रिक के रूप में भी यूज कर रहे हैं, वो इसको बर्फ़ बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, पर ये बर्फ़ बिल्कुल नहीं बनती है, और लोग इसको बस मैजिक ट्रिक के लिए यूज करते हैं, पानी को इसमें ऐड करते हैं। ये जो मेडिकल कॉटन है जो पानी को सोखने में यूज आती है, और ये बिल्कुल बर्फ़ के समान हो जाती है, पर गाइस ये बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ की जैसी लगती है। तो मैं देखिए हाथ लगा के आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल बर्फ़ के जैसी बिल्कुल नहीं है। गाइस ये आपको देखने में बर्फ़ की जैसे लग रही होगी, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये बर्फ़ की जैसी लग रही होगी, पर ये छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड है, देखिए, पर ये बर्फ़ नहीं है। आपको बर्फ़ लग सकती है दूर से देखने में, पर ये पास से बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। तो गाइस अब मैं इसको चम्मच से निकाल के दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं बनी है, पर मैजिक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको बर्फ़ के लिए यूज किया जा सकता है। कैमरे में देखने पर आपको बिल्कुल ये लग रही होगी कि ये बिल्कुल बर्फ़ है, पर ये बर्फ़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेडिकल कॉटन किस प्रकार से बिल्कुल बर्फ़ की जैसी बन गई, पर ये न तो बिल्कुल ठंडी है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये ठंडी है, ये बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। और तो गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमको एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा पानी को ये मेडिकल कॉटन सोख लेगी। तो ऐसे वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा।